खत्म हो गया था क्या? अच्छा, लीप ईयर के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अपने बेसिक तो डाल ही दिया है। क्वेश्चन है, थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, प्रोबेबिलिटी दैट number of boys ahead of every girl, is at least one more than the number of girls ahead of her. अगर तीन लड़कों और दो लड़कियों को एक कतार में खड़ा करा जाए तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि हर बार हर लड़की के लिए ये सीन होना चाहिए कि हर लड़की के आगे जितने लड़के खड़े हैं वो आगे खड़ी हुई लड़कियों से एक ज्यादा हो। समझ रहे हैं आप? हर बार हाँ यही है, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स, भाई हर लड़की के आगे जितनी लड़कियां खड़ी हैं और जितने लड़के खड़े हैं उनमें लड़कियां लड़के जो होने हैं ना वो लड़कियों से एक ज्यादा होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं, बी इज्जत के साथ जीबी जीबी, सही है। अब आप इस लड़की के आगे कितनी लड़कियां खड़ी हैं? एक लड़की, और जबकि लड़के कितने? दो, तो लड़के ज्यादा है लड़की से और एक ज्यादा है, कम से कम एक तो ज्यादा ही है। आया समझ में? नहीं आया? आया? एक केसी भी हो सकता है, बी बी जी जी बी। देखो आप इस लड़की के आगे कितने लड़कियां हैं? एक लड़कियां और दो लड़के, समझ रहे हैं ना आप? ऐसे कितने केस हो सकते हैं? अब एक केस और सर्च मारते हैं, और क्या सोचा जा सकता है उस पर भी दिमाग लड़ा लेते हैं, ठीक है ना। बी 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 जी जी, क्यों क्यों ये तो चलेगा चलेगा, कम से कम एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा हो तो भी चलेंगे, और क्या केस हो सकता है? जी जी बी बी जी बी, सही भाई। और कोई होगा? एक आधी और देखो, और कोई तुक्का? बीजी बीबी जी, सही है। और नहीं है? बीजी बीबी जी, क्या हो रही है इसमें? ठीक है, और कोई केस? जी जी बीबी बी जी, ये तो ऐसा केस हो गया होगा ना कोई ना कोई। कौन सा वाला? फर्स्ट और ये वाला और ये वाला, ये और ये वाला, ये वाला। अच्छा, ये कह रहा है कि ये और ये सेम हो गया, सही कह रहा है। हाँ सेम ही हो गया, इसमें इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों में क्या अंतर है? ये और ये, हाँ सही बात है। इसको यूं पढ़े और इसको यूं पढ़े, तो कुल मिलाकर के हमारे पास पांच केस बने, सही है ना भाई? पांच केस बने। अब मैं आता हूं प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है ना। अपने पास में जो केसेस बने उनके ऊपर की चर्चा करते हैं, मतलब हमने एक आइडिया ले लिया कि इससे और कुछ घुमाया नहीं जा सकता, अगर घुमाने की कोशिश करी तो इन्हीं का उल्टा वापिस आने लग जाएगा, सही है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
अगर भाई दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो जब सैंपल स्पेस की बात होगी तो उसे तो सिर्फ पांच जनों का अरेंज करना है, लड़का लड़की आपको दिख रहे हैं तो इसके लिए तो फैक्टोरियल पांच है। पहली बात तो पांच जनों को अरेंज करने के कुल मिला के 120 तरीके होते हैं, सही है ना। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा इसमें भी लोचा है, इसमें लड़के अलग अलग हैं, B1 B2 B3 आएगा नहीं पकड़ में, और यहां पे भी गर्ल वन और गर्ल टू है, इसका मतलब पांच तरीके से तो ये हो ही सकता है, लेकिन अंदर खाने में पांच तरीके के अंदर खाने में मैंने हर किसी में एक, ये जो है ना इनमें B1 B2 B3 के आपस में अरेंज होने के तरीके फैक्टोरियल तीन। अरे B1 B2 B3 फिर बॉयज गर्ल्स के आपस में अरेंज होने के तरीके फैक्टोरियल टू। लड़कियों में G1 G2 आपस में रिप्लेस हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता भाई, लड़कियों में आपस में रिप्लेस हो सकती है, G1 की जगह G2 आ जाता है, लड़की तो लड़की ही रहेगी, लेकिन नहीं बॉयज आपस में चेंज हो सकते हैं इनटू फैक्टोरियल थ्री। तो अगर देखा जाए ओवरऑल मेथड ये होंगे। अच्छा ऐसे पांच केस हो सकते हैं, जैसे ये एक केस है इसके खुद के, इसका खुद के फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल टू केस है, इसके भी फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल टू केस होंगे, नहीं है इसके भी फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल टू केस होंगे। ओवरऑल अगर देखा पांच बार फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल टू केस होंगे तो अगर देखा था आंसर विल बी 1/2, सही है। अगले क्वेश्चन बताओ, लिख लिएगा धीरे पूछते ही मेरे को ये लाइन क्यों याद आती। हाँ पूछना, पहला दूसरा तीसरा ये बता दे तू तो, ये इसके सिवा कोई नया केस सोच रही है। हाँ बोलना तू तो, बी जी जी बी 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 नहीं बन सकता ना, क्यों? क्योंकि इस लड़की का आगे एक लड़का एक लड़की है, जबकि हमारे को चाहिए केस ऐसा कि लड़की जो है वो कम रहे लड़कों से। जैसे इस केस में दिखाऊं ना, इस लड़की के आगे एक ही लड़की जबकि लड़के तीन है, लड़के हमेशा ज्यादा होने चाहिए लड़कियों से, भले एक ज्यादा हो, सही है। क्या रहनी में अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स at least 0.96। ये कह रहा है कि कितनी बार हम लोग एक फेयर कॉइन को भी टॉस करें, मान लो n बार टॉस कर रहा हूं मैं, और इस तरह से करना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कम से कम जो है एटलीस्ट टू हेड्स तो आए हैं, सही ना भाई। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम दो हेड्स का मतलब क्या होता है, कम से कम दो हेड्स का मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड और वन हेड। क्या कहते हो आप? अगर मैं एक में से जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी और वन हेड की प्रोबेबिलिटी हटा दूं तो बची हुई प्रोबेबिलिटी दो या दो से ज्यादा की हो जाएगी, नहीं है? और बहुत सीधी सी बात है ना, मेरे पास में मैं कह रहा हूं एक भी हेड नहीं आया, वो प्रोबेबिलिटी हटा लो और एक हेड वाली प्रोबेबिलिटी हटा लो, अगर आपने ये दो काम कर दिया ना तो जो बचेगी वो कम से कम दो ऐड तो लाएगा लाएगा। जब नो ऐड हट गया और एक ऐड हट गया तो दो से बात चालू होगी ना, अरे नो हेड हट गया हेड ही नहीं आया, वो भी केस हटा रहा हूं और एक ऐड वाली प्रोबेबिलिटी बैठा रहा हूं, तो कम से कम दो ऐड वाली प्रोबेबिलिटी तो जिंदा है, दो ऐड और ज्यादा ऐड तो चलेगा। अब ये क्या तरीका वो बताता हूं, ये बड़ा जबरदस्त है, याद आया मैंने कल कहा था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना वो ये कि नो हेड आने का क्या चांसेस होता है, नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहली बात आपको पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, नहीं है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, सही है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, अरे सोचो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स ऑन ए थ्रो ऑफ टू कॉइन 1/2, सोच लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, ये भी तो सोचे अपन,
दो ऐड आने की प्रायोरिटी। तो पहली बात तो कितने केस? चार केस। और ऊपर दो ऐड आने के चांसेस कौन कौन से? याद है एच एच माने एक ही है, तो आंसर हो गया एक बड़ा चार। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री एड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री एड्स कैसे देखें जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एड माने टू का क्यूब, पहले तो सैंपल स्पेस। और तीन है, तीन हेड पर, तीनों पर हेड आना है एक ही केस एच एच एच, तो आंसर विल बी वन बाय टू, वन बाय एट। अगर देखा जाए एक ऐड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू, दो ऐड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू का स्क्वायर, तीन ऐड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय टू का क्यूब। तो एन कॉइंस की उछाल पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन टू की पावर एन। यही तो मेरे को सिखाना, मैं ये छोटू मोटू नहीं सीखा सीधा बड़े पे कूद गया, ठीक है ना। नो हेड, एन कॉइन के एन कॉइन उछाले और एक भी हेड नहीं आया, नो हेड की प्रोबेबिलिटी। नो हेड माने सारे टेल आए, हेड आए ही नहीं एक पे भी। अब मैं चाहता हूं नहीं सब एक हेड तो आए, उसका क्या तरीका करोगे सर? पहले मैं एन कॉइन्स की उछाल में से कोई एक उछाल चुनूंगा जिसमें मेरे को हेड लगवाना है, सही है। उस हेड के आने के चांस, पहली बात तो एनसी वन कोई एक चॉइस चुनी कि हाँ इस पे हेड लगवाएंगे, उस पे हेड आने के चांस वन बाई टू, और बाकियों पे हेड ना आने के चांस वन बाई टू की पावर एन माइनस वन। अरे बाकी इवेंट क्या बची, एन माइनस वन ना, उस पे टेल आ गया, जितने हेड आने के चांस उतने टेल आने के चांस वन बाई टू की पावर एन नहीं है। अरे ये तो कमाल है, लेकिन आप बेवकूफ बन गए, ये तो सर वन बाई टू की पावर एन है। मैं मैंने एक ऐड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू की पावर एन, और जीरो ऐड आने की भी प्रोबेबिलिटी, यस एग्जैक्टली। लेकिन लिखते ही लिखने वाला डायरेक्ट ये लिखता वन एनसी वन इंटू में इतना, लेकिन मैंने क्या लिखा वापस बोल देता हूं, ये क्या चीज है वन बाई टू, ध्यान है आपको। एक पे हेड आया, कोई एक कॉइन पे हेड आया, ये कौन है? बाकी जो बच गए एन माइनस वन, उन पे टेल ही टेल आए, एन माइनस वन बाई टू की पावर है। अब जो भी मेरा आंसर बना मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं इसके बाद में, सही है, इसको हटा रहा हूं। सीधी सीधी बात, वन बाई टू ओवरऑल अगर देखा तो वन बाई टू की पावर एन कॉमन ले लो, यहां से क्या बचेगा वन प्लस, वन प्लस एन सी वन माने एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई नहीं, एन सी वन माने एन नहीं, अरे एन सी वन माने एन, अरे क्या हो गया बिल्कुल ही खुले हो गए क्या दिमाग, अरे एन सी वन माने एन नहीं आया। अच्छा, और ये सब मैं चाहता हूं कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी 0.96 से ज्यादा हो। कब लिख दिया, लिखा ना प्रॉबर्टी एक कम से कम 0.96 होनी चाहिए, 0.96 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आया असली खेल, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि 1-0.96 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 की पावर एन इंटू एन प्लस वन। अब हुआ दर्दनाक खेल चालू। इसका मतलब सर आपकी इच्छा है कि एन प्लस 1/2 की पावर एन मस्ट बी ग्रेटर देन 0.04 0.04 ये कैसे लेस देन कर दूं क्या? बोलो लेस देन कर देना, सही से क्या है आपकी इच्छा, लो नहीं है। अब कैसे जाओगे? अब क्या करते हो? हाँ कैसे सॉल्व करेंगे ना, वही तो। अरे क्या कर रहे हो, देखो सीधी सी बात, n बराबर 1 रख के लिखो, 1 रखने पे 2 by 2 is less than 0.4, बहुत गलत हो गया यार, कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। सीधा 5 ले लो, 5 रख के दिखाओ, 5 रखने पर 6/2 × 5 तो 6/32 is less than 0.04, सोच रहे आराम से, 0.04 माने 4/100, 4/100 माने 1/25, कौन बड़ा है देखना जरा, 6/32 है ना, 6/32 का मतलब हो गया 3/16, 3/16 बड़ा कि 1/25 बड़ा, ये कैसे पता कर चलेगा? जैसे अभी तो दिमाग ये कह रहा है 3/16 ही बड़ा, नहीं है 3/16 बड़ा, लेकिन अगर फिर भी अगर मान लो आपके मन में जैसे वहम बैठ गया यार क्लियर नहीं अपने को, तो 6/16 × 3/16 × 1/25 का एलसीएम ले लो, कॉमन लगा के, तो आपको पता होगा ये हो गया 25 × 16 एलसीएम, मैं क्यों निकालू दिमाग लगा के, है ना, तो ये हो गया 75 और ये हो गया ये कितना हो गया 16, दोनों में बड़ा कौन 75, तो 75 बड़ा माने ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अभी भी नहीं आया, माने 5 तक तो मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, अब चलो कितने पे चलो, 5 के बाद सीधा 10 8, चलो n बराबर 8 ट्राई करता हूं, 8 पे देख लेते हैं, 8 + 1/2 की बार 8 इज लेस देन इक्वल टू 0.04, ये हो गया 9/256 और इट इज 1/25, यही ना भाई।
अब सोचना पड़ेगा। आओ 9/256 1/25 कुछ ख्याल पेश करो। आप इसे अगर किसी को डर ना लगे तो इतना तो, और ये तो बड़ा पड़ रहा है, ये बड़ा बड़ा पड़ गया, नहीं आया। 10/250 ये 9/256 कौन बड़ा पड़ गया? ये वाला। माने एन बराबर 8 पे काम बन गया है। क्या मैं एन बराबर 7 लेके देखूं? ट्राई मारूं। एन बराबर 7 लेने पर कितना हो रहा है भाई? कहां से लगे? एन बराबर सात रख रहा हूं। एन बराबर 7 पे कितना हुआ? 8/128। और यहां पे कितना? 1/25। सही भाई, क्या कहता? 5/125 कर दूं? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इसको देखना, 1/25 को 5/125 कर दूं, ऑलमोस्ट बराबर है। बड़ा कौन है? ये कि ये? लेकिन अब तो ये वाला चाहते हैं ना बड़ा। माने 7 पे काम नहीं बना, इसका मतलब 8 या 8 से आगे बनेगा। तो ले लू, हटा दो इतना सब दिमाग का दही। सही है भाई, आप कह सकते हो n इज इक्वल टू 8 एंड मोर। बस खत्म हो गया साहब, मिनिमम रिक्वायर्ड 8 कॉइन तो लाने ही पड़ेंगे। सही है, तैयार रहिए अब आप इस तरह के खेलों के लिए। दही हो गया? नहीं हुआ अभी भी। अगला क्वेश्चन है, ए पी एंड क्यू आर सिलेक्टेड रेंडमली विद रिप्लेसमेंट। With replacement from first 10 natural numbers. From first 10 natural numbers, find the probability that roots of equation x² + px + q = 0 are real. हाँ भाई, देखिए सब सीधी सी बात है, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू अगर अपने आप में दो पी एंड क्यू आर सिलेक्टेड रैंडमली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना? तो हमारे को दो नंबर सिलेक्ट करने रैंडमली। तो पहली बात तो मैं आपके सामने सैंपल स्पेस बता दूं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 10 × 10 पी का 10 क्यू का 10 नहीं है 10C1 × 10C1 ऐसे समझ ले। 10 में से कोई एक P बनेगा, 10 में से कोई एक Q बनेगा। अभी भी नहीं है, है ना? ऐसे बोल देता हूं 10C1 × 10C1 माने 100, ठीक है? अपने सिंपल स्पेस 100 का है। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होने का मतलब डी पॉजिटिव होना। डी पॉजिटिव होना माने P² > 4Q, थोड़ा एक कदम आगे चला गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चन में, फिर वही अपन जैसे तुक्का कहेंगे, मैं चाहता हूं कि अपन ये बात सीखें। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यही उठाया, P = 1 होने पर क्यू नेचुरल नंबर में कुछ भी नहीं है। माने क्यू के नाम पे कुछ भी नहीं है मेरे पास में जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। अरे P² मस्ट बी ग्रेटर देन 4Q। अगर मैं पी की जगह 2 लेता हूं तो क्यू की जगह पर 2² = 4 है ना, तो क्यू की जगह पे 1 चलेगा, नहीं है? अगर मैं P की जगह 2, 3 लेता हूं, यहां रखता हूं, 3 रखते ही 9, फटाफट रहना, कॉमा में जाने का अधिकार आपका है, 9 क्यों नहीं चलेगा? क्यू की जगह 1 चलेगा, क्यू की जगह 2 चलेगा। अरे क्यू बराबर 1, 2 चलेगा। अब 1 रखो 9, 4 से बड़ा होता है, 2 रखो 9, 8 से बड़ा होता है, नहीं है? अगर भाई मैं P की जगह पे 4 रखता हूं तो यहां 16 हो गया, 16 किसके से बड़ा होगा? 1, 2, 3, 4 4 भी चलेगा, नहीं आया? हाँ, इसका मतलब ये कि कोई ऐसा सेटिंग नहीं बैठा अभी, है ना? कभी भी ये एक्सपर्ट है, अभी अचानक से उछल जाएगा। सही है, अगला P = 5 ले लूं। P = 5 पे क्यू की वैल्यू 5² = 25 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है क्या? नहीं है। अच्छा, P = 6 लेने पर 36 Q = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सही है, 9 + 36 आ गया। अब इसका मतलब ये बात पक्की है कि अगला नंबर और लगते तो काम बन गया।
पी इज गटो सेवन होने पे, क्यू इज गटो एक से दस, उससे आगे ले भी नहीं सकता। अरे उससे आगे कहां से ले लो, ग्यारह बारह चलता है लेकिन मेरे पास क्यू तो दस तक ही है ना, नहीं है। लेकिन पी इज गटो एट पर दस, पी इज गटो नाइन पर, क्यू इज गटो एक से लेकर दस, और पी इज गटो टेन पर, क्यू इज गटो दस, सही क्या? अब बताइए टोटल केसेस कितने हुए, टोटल केस। अब याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने टोटल केस है 100, अरे ये ना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 100, जबकि अपने फेवरेबल केस कितना 40, अरे 40, 40 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 है ना, 4 और 2 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 9 21, 21 और 13 9 22, 22 62, 62 बाई 100 माने 31 बटा 50 आ गया, सही है ना। इसका मतलब ये कि हम हर तरफ जा सकती है अब गाड़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घुस गया अब ये पर, सही है ना। तैयार रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है, एक बैग में 5 ग्रीन 4 व्हाइट गेंदे हैं, 3 बॉलों को निकाला गया है, ठीक है। तो मैं आपसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को पूछ करूंगा, 5 व्हाइट है और 5 ग्रीन है और 4 व्हाइट है, 3 गेंदों को निकालने का सैंपल स्पेस बनाओ। हाँ बिल्कुल अभी सही सोचा ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल गेंदे कितनी, 9, 9 में से 3 गेंदे निकालने का तरीका 93 सैंपल स्पेस। अब आप धीरे 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 पकड़ बना रहे हो, आपको नहीं पता, ठीक है ना। अब आता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि मेरे को 3 गेंदे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स, तीनों के तीनों गेंदे, तीनों के तीनों गेंदे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। पहली बार टोटल केस, फेवरेबल केस डू डॉट, कितनी है अपने पास ग्रीन, कितनी है 5, तकदीर से 5 की 5 जो है उन्हीं में से तीनों गेंदे आ गई। अरे ग्रीन बॉल तभी आएंगे ना जब 5 में से 3 आ जाए, 5 में से तीनों के तीनों ग्रीन आ गई, मैंने 5 में से कोई 3 है, 5C3 नहीं आया, बस ये अपना क्या बन गया प्रायोरिटी ऑफ कटिंग ग्रीन बॉल, नहीं है। कितने लोगों लगता है इसके नीचे 1 2 3 1 2 3 कट गया, दूर की देखना, सही है। नीचे देखो 9 6 9 9 8 7 9 8 7, ऊपर 5 4 3 और नीचे 9 8 7, श्योर है? कुछ काटा कूटा हो सकता है क्या? 3 से क्या 3 4 से क्या 2, बन गया ऊपर 5 बटा 14 42, नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, लेकिन क्वेश्चन में तो सर उसने ऑड अगेंस्ट पूछा है ना, याद आया मैंने कहा था नहीं होने में होना, नहीं होने में नहीं होना, होने में नहीं होना, तो इसका मतलब याद है ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सोच गए क्या? इसका मतलब हो गया 1 - 5/42 अपॉन 5/42, क्या कहते हो 42 उड़ गया, आंसर हो गया 37/5, ठीक है, और अगेंस्ट। If two numbers appearing on a dice, on two dice, ठीक है, बहुत शानदार चीज, पहला पहली लाइन ने उड़ा दिया, सैंपल स्पेस ही मार दिए, किसी को ध्यान पड़ा? इस लाइन ने सैंपल स्पेस मार दिया भाई,
दो ढाई इसकी उछाल पर टोटल सैंपल स्पेस होते हैं 36, लेकिन उसने ये कहकर कि सैंपल स्पेस पर दोनों नंबर डिफरेंट है, किसकी वॉट लगा दी? डबलेट की, पूरे डबलेट उड़ा दिए। ये बात समझ में आया? डबलेट उड़ गए, सही भाई, डबलेट उड़ गए। इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 30, नहीं है, सैंपल स्पेस 30 हो गए, पहली बात। अगर प्रोबेबिलिटी की बात चलाई जाए तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए जब सम कैसा है, 5 से बड़ा, सही ना। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ढूंढूंगा 1 माइनस 4 से छोटा, नहीं है आपको मेरी बात समझ में? 4 से छोटे वाले की मैं 5 से बड़ा कब को ढूंढता हूं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इससे बढ़िया उल्टी साइड दौड़ू ना और एक में से 4 की 4 तक आने की प्रोबेबिलिटी हटवा लेता हूं, नहीं है? अब ये कैसे करेंगे वो आप देख लो। समझ में आ गया आपको मेरा फंडा, है ना? अब आप दिमाग लगा लो, दिमाग आप लगाओगे क्वेश्चन मैं कर दूंगा। हाँ, मैं इसको लिख देता हूं, बात को पूरा, है ना, 1 माइनस सम लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, बात मैंने पूरी लिख दी ताकि आप ध्यान रखो। सम का 4 या 4 से कम आना, गिन दो आप, गेस गिन सकते हैं जैसे कुछ लोग, 1 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 2 1 2 1 3, 2 1 3 1, आगे बोलो, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, 1 1 हो नहीं सकता, 1 2 2 1 में ले गया, 1 3 3 1 में ले गया, 2 2 हो सकता था लेकिन अभी हो नहीं रहा, नहीं है समझ में? कानी पकड़ में आ गई? तो कुल मिलाकर के आंसर कितना हो गया? 1 माइनस 4 बाई 30, तो मतलब कितना बोलू प्रोबेबिलिटी यार, इक्वल टू इसको क्यों छोटा कर रहा हूं, इक्वल टू कितना? 26 बटा 30, 13 बटा 15, ठीक है ना, छोटा परंतु खुशहाल परिवार, ठीक है, आगे चलो। तीन दोस्तों का एक ही बर्थ का महीना होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तीन दोस्तों के एक ही महीने में जन्म होने की प्रोबेबिलिटी, भाई पहली बात के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताता हूं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पहले दोस्त को भेजने का टाइम आया, भगवान जी बने हो आप, है कि नहीं भाई, इस आत्मा को जन्म दो, 12 में से एक महीना चुनो, अरे 12 में से एक महीना चुनोगे ना पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए 12 में से एक, अगले के लिए 12 में से, अगर भाई दुवे एक महीना नहीं होता, सेम महीना नहीं होता तो आप कितने क्या करते, 12 में से एक महीना इसके लिए चुनते, फिर 12 में से एक अगले के लिए, फिर 12 में से एक अगले के लिए, भाई तीन बच्चे आपको जमीन को उतारने है कि नहीं, तो आप 12 में से एक महीना तो चुनोगे ना कि अपन यहां इसको इस महीने में डाल देंगे, इसको इस महीने भेज देते हैं, इसको इस महीने भेज देते हैं, क्या कहते हो आप? ऐसे ही होगा ना, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये चलेगा। अभी भी नहीं समझ में आया? अब आपके लिए प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो आप, पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 में से कोई एक महीना एक के लिए, दूसरे के लिए 12 का क्यूब, एक तरह से 12 का क्यूब, सही है। फिर देखो आपने क्या किया, 12 में से एक कोई महीना पसंद किया, सही है, 12 में से कोई एक महीना पसंद किया और उसी पर दोनों को बच्चे दोनों को उतार दिया, पहला दोस्त जिस महीने में उतरा उसी पर into 1 पैलिंड्रोम, याद है पैलिंड्रोम के क्वेश्चन, 26 तरीके से पहला भरेगा तो एक तरीके से वो अपने आप भर जाएगा, नहीं आया? जिस आप 26 में कोई एक चुन लो वो अपने आप भर गया, वैसे ही आपने क्या किया, जो इसके लिए चुना वही बच्चे को दो के लिए चुन लिया, तो आंसर हो जाएगा 1/44। चलो अपने पहले एक एस सर हुआ करते थे, जाने आपको उनका एक डायलॉग हुआ करता था, बताए बहुत सही डायलॉग था, है कि नहीं? हम लोग कभी कभार स्टाफ रूम बैठते हैं ना तो उनके उस डायलॉग पे हंसते खूब हैं, ठीक है, खास तौर वीपीएस सर तो बहुत दीवाने उस डायलॉग के, तो ठीक है ना, मैं गलत हो सकता हूं आप गलत मत हो ना, लेकिन ठीक है
मैं गलत हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, आप मत गलत होना, समझ रहा चाहे मैं कितना भी गलत हूं, मैं पढ़ू चाहे नहीं पढ़ू, आप जरूर पढ़ के आना। हर बच्चे की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है टीचर से, गलती से भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, मैं भले गलती करता रहूं, ठीक है ना, आप गलती नहीं कर सकते। बहुत सही डायलॉग था। अच्छा खैर, ये सेम बर्थडे होता तो सेम बर्थडे होता था, 365 का होल क्यूब, फिर ऊपर 365 सी एक इंटू एक इंटू एक नहीं आया, सेम बर्थडे होता तो अच्छा। क्वेश्चन है, बाय आई 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 एटे एन एन ओ ओ वी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्विटेशन, ठीक है ना, इसमें दो ओ कौन से लग गए भाई, ये ओ ए है ना, ओ ए वी, ठीक है भाई, इनसे इन्विटेशन बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इनसे इन्विटेशन बनने से पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछ लो, इनको कितने तरीके से जमा सकते हो, टोटल फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, सही है क्या, इतने तरीके से तो नंबर सैंपल स्पेस, उसमें से कितने तरीके से इन्विटेशन बनेगा, एक, हाँ उसके बाद कभी बनेगा ही नहीं, अरे इन्विटेशन में आई के बाद एन, एन के बाद वी, वी के बाद आई आएगा तभी इन्विटेशन बनेगा, वरना थोड़ी ना बन जाएगा। ये जितने हजारों मेथड है उनमें सबसे थोड़ी ना इन्विटेशन बन जाएगा, इन्विटेशन तो एक ही बार बनेगा, उसके बाद तो इधर उधर करते ही कुछ और बन जाएगा, नहीं है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्विटेशन इज इक्वल टू एक बट्टा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, आया नहीं आया, छोटा परंतु वावे स्नेक दिल खुशहाल प्रश्न। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है, डिटरमाइंड चूजन है, ऐसा है क्या, ओ सर आप गलत नहीं हो सकते, डिटरमाइंड चूजन एट रैंडम, डिटरमाइंड चूजन एट रैंडम ऑफ ऑर्डर टू, ऑफ ऑर्डर टू विद एलिमेंट 0.1, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट चूजन डिटरमाइंड इज नॉन नेगेटिव, ये दूसरा दर्दनाक क्वेश्चन, अभी डिटरमाइंड में घुस गए, दो ऑर्डर का डिटरमाइंट देखना है और दो ऑर्डर का डिटरमाइंट जो जीरो और वन से ही बनेगा और किसी से नहीं बन सकता, आप तो जीरो या वन से बनाओ और आंसर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, अभी बिल्कुल अलग केस है, आपको पहले ही बता देता हूं दो ऑर्डर का डिटरमाइंट दिखता कैसा है, एबीसीडी, ये तो पता ही होगा आपको, अगर ये एबीसीडी दिखता तो पहले मैं ये बताता हूं कि इससे कितने डिटरमाइंट बन सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ डिटरमाइंट्स वो बताता हूं, वो भी बताता हूं, देखो आप, ठीक है, ताकि टोटल केस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी आपकी आंखों में आ जाए, जितने तरीके से आप एबीसीडी भर सकते हो उतने तरीके से डिटरमाइंट बन सकता है, कई कितने भी तरीके से आप भरते जाओ, जितने तरीके से आप भर दोगे ना मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप डिटरमाइंट बनाना सीख गए। बताओ साहब इसमें पहले जगह पे कितने लोग बैठा सकते हो, अगले पे दो, अगले पे, अगले पे दो, इसका मतलब 16 से ज्यादा डिटरमाइंट कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। आप यहां पे ये जैसे दो कह रहे हो ना उसका मतलब है 2C1, दो में से कोई एक नंबर यहां बैठा सकते हो, दो में से कोई एक नंबर यहां, दो में से कोई एक यहां, दो में से कोई एक यहां, लेकिन सर बाकी बदल रहे होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल 16 से ज्यादा डिटरमाइंट बन ही नहीं सकते, दो में से कोई एक पहली जगह बैठेगा, दो में से कोई एक दूसरी जगह, दो में से कोई एक तीसरी जगह, दो में से कोई एक चौथी जगह, माने 2C1 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 माने 16, ये दूसरी ऐसी चीज है जो आपको सोचने लायक है, अच्छा ये भी लोचा है, हाँ यही लोचा है, ठीक है ना, इसको ये चीजें आपके दिमाग में भरनी है आपको, टोटल 16 डिटरमाइंट बनेंगे, उन 16 डिटरमाइंट में नॉन नेगेटिव क्या होता है वो भी दिखाता हूं, इसे नॉन नेगेटिव कहते हैं साहब हमारी दुनिया में, जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया 1001, दिख रहा आपको,
इसका आंसर कितना आया? वन। ये पॉजिटिव है, माने नॉन नेगेटिव है, आएगा नहीं? अगर आपने ऐसा नहीं करके जीरो जीरो वन ये करा होता, सही है, तो जीरो भी नॉन नेगेटिव होता है, मेरे लिए चलेगा। तो सर इसमें कैसे ढूंढूं मैं कि कितने डिटरमाइंड होंगे? मैंने कहा ऐसे है, अगर क्वेश्चन दिया है तो बहुत सोच के दिया हो गया होगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा पिदाएगा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं भगाने वाला। अब आप नेगेटिव डिटरमाइंट ढूंढो, आप तब आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव डिटरमाइंट ढूंढना ज्यादा आसान है पॉजिटिव से। नेगेटिव डिटरमाइंट कब आएगा? वन जीरो नहीं वन एक मिनट वन जीरो वन वन, लो एक तो ही आ गया, ध्यान है ना, इसका आंसर कितना आ गया? माइनस वन। अच्छा और क्या बोल रहे थे आप लोग? वन जीरो वन वन वन, इसका वैल्यू जीरो आएगा, नहीं माइनस वन आएगा, जीरो माइनस वन, इसका भी वैल्यू माइनस वन आएगा। और बोलो आप तो, और दोनों तरफ जीरो जीरो वन वन जीरो, और बोलो और सोचो और सोचो, इधर तो जीरो आने ही मत देना, इन दोनों तरफ तो जीरो मत आने देना, इधर जीरो आ गया तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, इधर इधर दिख रहा है आपको, यू जीरो ला देना भले, और यू जीरो या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा या दोनों तरफ आएगा, और कहीं जीरो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ओनली थ्री डिटरमिनेंट पॉसिबल, थ्री नेगेटिव डिटरमिनेंट, इसका मतलब बाकी बचे हुए या तो जीरो या पॉजिटिव। इसका मतलब आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 13/16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13/16। ये आपके लिए दूसरा दर्दनाक खेल चालू, सही है, 13/16, फिर दिमाग लगा लेना। ए कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, ठीक है ना, फर्स्ट हेड एंड टेल कम्स अल्टरनेटिवली, करिए, हाँ भाई कितने लोगों का बन गया? कुल मिलाकर क्या कर देखा था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो वो तो पक्का है, दो की बार चार बोले तो 16, सही भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अगर देखा जाए तो 16, और मैं आपके सामने केस खोल देता हूं, HT HT या फिर THTH, सही ना भाई, तो कुल मिला के कितना है? 2/16, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन कर जाओ, दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ हेड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल, ऐसा कितने केस में हो सकता है? आप तो दिमाग लगाओ कौन कौन से केस हैं, मैंने इसीलिए तो मौका दिया, हल्का क्वेश्चन, सिक्के सुक्के का क्वेश्चन तो कर लोगे। HHHT एक केस, एक HHTH और HT HT HH THHH, और बोलो और कौन सा? HH HH, सही क्या भाई? नहीं आया। कुल मिला के कितने केस? पांच केस, इसके सिवा कभी हो ही नहीं सकता, बराबर होते ही तो मैं टाल दूंगा। अगर आप सोच रहे हो दो हेड दो टेल कर दूं कहीं पे भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, इस केस में तो नंबर ऑफ हेड्स ज्यादा है टेल जीरो है, और उस केस में भी ज्यादा है टेल एक ही है हेड तीन है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ केस पांच और आंसर 5/16, सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे भी किया जा सकता था, अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था, ठीक है ना, आप यू सोच लेते कि कब तक नंबर ऑफ हेड ज्यादा होंगे, या तो चारों हेड होंगे या तो चारों हेड होंगे या तीन हेड एक टेल होगा, सही ना। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, चार हेड को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 बोले तो 1, तीन हेड एक टेल को अरेंज करने का तरीका, ठीक है ना, फैक्टोरियल 4 / फैक्टोरियल 3 बोले तो 4, 4 और 1 5, मैथमेटिकल तरीका। मतलब अगर आप बाय द वे ये सब नहीं जानना चाहते, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आ गया, क्वेश्चन में है नो कंसेक्यूटिव टेल सरकार, भाई जहां आपका सर दुखने लगे वही तो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जहां आपको लगे यार बिल्कुल एकदम अंदर तक दिमाग में जा रहा है भाई, नो टो कॉन्जिक्यूटिव हेड अकर, और ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल है, नो टो कॉन्जिक्यूटिव हेड अकर, लो दिमाग लगाओ, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं आने चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब समझे दो लगातार एच नहीं आने चाहिए, ये तो आ रहे हैं ना इसमें दो, तो 500 हटाने हैं क्या या लगाने हैं? इनको हटा दो, 500 हटा दो, और तीन कौन से वाले? तीन दो दो वाले, दो दो वाले कौन से वाले? HTST नहीं, HHHHTT नहीं है, ये कह रहे हैं इसके सिवा एक तो ये हटा दो, HHHT
सही है, एच एच टी एच, ठीक है ना, एच टी एच एच टी एच 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 और एच 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 और अगला कौन सा, ये मेरे को बता रहे हैं टी एच एच टी, सही है टी टी एच एच, ये भी हटाओ और एच एच टी टी, और कोई, ये कुल मिला के आठ केस रिमूव करने हैं, तो बच्चे में रह गए क्या आठ, आंसर हो जाएगा आठ बेटा सोलह, पॉइंट है पॉइंट, सही है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं इसी के अंदर डी, अगला क्वेश्चन लिखिएगा और बताइएगा एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव, एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव हेड अकर। मैंने कहा ना दिमाग तो थोड़ा तो दर्द कराओ भैया, सारे मेरे से देख के करोगे तो नहीं सीखोगे। एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव हेड अकर, कम से कम दो कॉन्जिक्यूटिव तो हेड आने चाहिए, मतलब मैंने ये क्वेश्चन है क्या ऊपर वाला, नहीं है, कम से कम दो कंजुगेटिव हेड आने चाहिए। अरे नहीं, माने आपके हिसाब से ये है कि ये है, क्योंकि ये नहीं होने पे ये है, ये इन सब में दो कंजुगेटिव हेड आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, ये तो मान रहे हो, कम से कम दो तो आ ही रहे हैं, देखो जरा, दो लगातार हेड, दो लगातार हेड है ना, दो लगातार हेड, दो लगातार हेड, दो लगातार हेड, दो लगातार हेड, दो या दो से ज्यादा वाले हैं, माने ये तो लूंगा ही लूंगा, और कौन सा बच गया, चारों के चारों, चारों हेड आ चुके हैं, यही है। हाँ आप ये मत बोलो कि एक बच गया, माने यही है जो भी है, समझ में आया, तो इसका मतलब वैसे भी फिर भी बताता हूं, ठीक है ना, इट इज इक्वलेंट टू पी ए इज इक्वल टू वन माइनस, ठीक है ना, पी सी, सी माने ये वाला, अभी भी नहीं आया भाई, ये कह रहा है कि कोई भी नहीं है, वन माइनस नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड, वन माइनस नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव हेड, ठीक है ना भाई, तो ये वन माइनस एट बाई सिक्सटीन दैट इज इक्वलेंट टू वन बाई टू। अब मेरे को थोड़ा हल्का सा सुकून है कि कम से कम कॉइन के क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत लुढ़का सकते हो आप लोग। आउट ऑफ 52 कार्ड्स, सही फटाफट आइएगा, वन कार्ड इज सिलेक्टेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी that first selected card is king, ठीक है ना, second है selected card is of red color, ठीक है, तीसरा है, ठीक है, red colored and king, fourth है रेड कलर्ड और किंग, फटाफट 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 सोचें। हाँ भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर सोचा किसी ने, पहले का कितना, चार बटा बावन, सही क्या, बराबर चला, रेड कलर का 26/52 चलेगा, लाल रंग का हो और राजा भी हो, लाल रंग का 26 सुनते जाओ, लाल कलर के 26 प्लस 2 बटा बावन, अभी भी नहीं आया, ये प्लस 2 क्यों, दो राजा इसके पास भी थे, लाल कलर का भी हो और राजा भी हो, गलत तो नहीं बोल गया, हाँ गलत बोल गया, ये एक सेकेंड और है ना, और हिंदी वाला और है ना, हाँ लाल कलर का और राजा माने 2/52 नहीं आया, और नीचे वाले में आ गया 26 + 2/52, आप सही हो, मैं आराम से सोचेंगे, अपन आराम से सोचेंगे, रुको 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 रुको, हटा दो, देखो सब लगाता हूं, ये ज्यादा तेज हो गया ना, पहला आ गया, दूसरा आ गया, अब देख लाल रंग का और राजा चाहिए, लाल रंग का भी होना चाहिए और राजा भी होना चाहिए, तो हमारे पास दो ही तो ऐसे राजा हैं जो लाल रंग के भी और राजा भी है, अरे लाल रंग का भी होना चाहिए,
कार्ड जो है वो लाल रंग का भी होना चाहिए, राजा भी होना चाहिए। जैसे हमारे दो ही कार्ड है, कौन से वाले? एक ईंट का, एक पान का, इसके सिवा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2/52। हाँ भाई, नीचे वाले में क्या चक्कर है वो सिखाता हूं आपने। हाँ, या है, या तो लाल रंग का होना चाहिए, तो लाल रंग के होने के कारण 26, या के कारण प्लस, और फिर किंग। देखो लाल रंग का जब मैंने उठाया तो उसमें दो राजा चले गए थे आपके पास, लाल रंग के टाइम पे दो राजा जा चुके थे, अभी भी दो राजा बच गए काले वाले, तो लाल कलर का या राजा, तो इसका मतलब प्लस 2। सही है, मैंने पता है हिंदी वाला और समझ लिया था पिछली बार। कुक्का उधर पहुंच गया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आता हूं। राइट है भाई, देखें आउट ऑफ 52 कार्ड्स, फटाफट आ जाओ, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड। पहली बात, तब तक आप सोच लो सैंपल स्पेस, सोच लिया आपने मतलब 52C4, वेरी गुड। क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी, देखें कौन फटाफट सोचना चालू करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑल 4 आर ऑफ सेम सूट, सभी का सूट एक जैसा है, सूट समझ गए भाई? मतलब या तो पहले हमारे पास सूट 4 हैं, या तो चिड़ी, या तो स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब, है ना। मतलब ये कि चारों के चारों, चारों में से कोई एक होना चाहिए, या तो चारों क्लब के हो, या चारों हार्ट के हो, या चारों डायमंड के हो, या चारों, है ना, कौन सा बच गया? स्पेड, है कि नहीं? तो कुल मिला के चारों इसमें से एक में से होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कि नीचे तो लगेगा 52C4। अच्छा, या तो हो सकता है चारों के चारों क्लब के हो, 13 में से कोई 4 क्लब के आ जाए, या 13 में से 4 कोई डायमंड के आ जाए, या 13 में से 4 कोई हार्ट के आ जाए, या फिर 13 में से 4 कोई स्पेड हो गया, क्लब हो गया, डायमंड हो गया, हार्ट हो गया। अच्छा, तो कोई एक बच्चों बच गया वो मुझे नहीं पता, नहीं पहले 3 कौन से हुए थे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आया भैया, तो इन 13 में से 4, या उन 13 में से 4, या उन 13 में से 4। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके मन के सभी प्रश्नों का जवाब आएगा अगले क्वेश्चन तक, ठीक है ना। ईच ईच कार्ड, वन कार्ड ऑफ ईच सूट, वन कार्ड ऑफ ईच सूट। हाँ भाई, तब तक सोचिए, सभी सूट का एक एक कार्ड तो हो, 13 से 1 × 13 से 1 × 13 से 1 इंटू क्यों? पहला पता है इस 13 में से, फिर दूसरा उस 13 में से, फिर उसमें से, नहीं आया? तो इसका मतलब पहले 13 में से एक, फिर अगले 13 में से एक, फिर अगले 13 में से, तभी तो एक एक पत्ता सबके सभी सूट का चलता जाएगा। अपॉन में नीचे कितना? अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम नेम, माने अगर दुखी आ रही है तो सबकी दुखियां दुखी आएंगी, फिर अगर देला आ रहा है तो सबके देला देला देला। रुको, धीरे धीरे, नीचे वाला तो पक्का है ना। आप बताओ, एक मिनट, पहले क्या करना है मेरे को? एक मैं आपसे पूछो, हमारे पास में कितने डिनोमिनेशन है? 13। या तो किंग आए तो सबके किंग 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 आने चाहिए, तो 13 डिनोमिनेशन में से कोई एक, 13 में से कोई एक, पहले वो चुन लो, नहीं समझे? 13 डिनोमिनेशन में से कोई एक, जैसे दुक्की चुननी है तो पहले पक्का कर लो सारे कौन से आएंगे, टिक्की चुननी है तो 13 डिनोमिनेशन है मेरे पास, 13 में से कोई एक, फिर 1 × 1 × 1, या फिर यूं समझो चारों में से चारों, जैसे दुखी है, दुखी के कितने पत्ते हैं? 4, उन चारों के चारों को उठाना है, तो चारों के चारों को उठाने का तरीका 4C4। आप जिसे 1 कह रहे हो, मैं उस दूसरे तरह से पहुंच गया, नहीं आया? अरे एक जैसे, जैसे मान लो मेरे पास में है कि नहीं, जैक के 4 कार्ड है, अरे जैक के 4 कार्ड है ना, गुलाम के 4 कार्ड है, तो मैंने चारों के चारों उठाए हैं, लेकिन गुलाम तक तो पहुंचू कि इन 13 में से किसको चुनना, तो मैंने गुलाम को चुना, नहीं आया? और फिर हमने 4 के 4 उठा लिए, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, अरे 3 है रे,
ये चार है, अच्छा तभी कह रहे थे तीन आएगा। हाँ भाई अगला, ऑल फोर ऑफ सेम कलर, ये तो आप ढूंढ ही लोगे, चारों का चारों एक ही रंग के, हमारे पास रंग कितने हैं? सही है कि नहीं? तो आंसर कितना हो गया? क्या लिखूं बोलो? 26 से 2 या 26 से 4? या तो लाल वाले 26 में से 4 या काले वाले 26 में से 4, या और डिवाइड बाय 52 C4। सही है ना? ये आप अभी भी मेरे से करवा रहे हो, ये जमता नहीं है, फिर अपने पास बचेगा क्या? ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 5th है, 2 red and 2 black। अब याद करो फटाफट, 2 red and 2 black, क्योंकि आसान है, नीचे का पता है सबको, 52 C4 20 C2 इंटू, सही है ना? मेरे को नहीं पता, आप सोच लेना, 26 लाल में से 2, फिर काले में से 2। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो, आप तो बढ़िया खेल लेते हो। अगला क्वेश्चन, ऑल फोर फेस कार्ड, बारह होते ना, सोच लिया आपने आंसर क्या? 12 C4 डिवाइड बाई, बस खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 2 king and 2 queen, चलो करो। आराम से सोचो, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? सोचा। हाँ भाई, 2 king and 2 queen, क्या बोल रहे हैं आप लोग? 4 C2 into upon, आगे बोल दो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, at least 1 queen, दो तरीके, पहला 1 minus no queen, दूसरा तरीका डायरेक्ट सोचना, एटलीस्ट है ना, टोटल माइनस नन, नहीं याद आया, टोटल माइनस नो क्वीन, नो क्वीन माने क्वीन ही आने दी, इसका तो हमने किसमें से पत्ते चुन डाले, 48 में से, चारों के चारों पत्ते किसमें से चुन डाले, 48 में से, नहीं आया। अरे और या फिर क्या तरीका है, सुना, या फिर वाला तरीका सुन लिया, पूरी लाइन सुना, चार में से, सुना, चार में से एक भी क्वीन नहीं, ऐसा केस ले नहीं लेना, एक क्वीन तो लानी है, चार में से एक क्वीन और बचे हुए 48 पत्ते जो नॉन क्वीन है उनमें से 3, या चार में से 2 queen, या बचे हुए 48 पत्तों में से, नहीं, या चार में से 2 queen फिर 48 में से 2 पत्ते, तभी 4 पत्ते आएंगे ना, या चार में से 3 queen चुनी और बचे 48 में से 1 पत्ता, या चार में से 4 queen फिर 48 में से नथिंग, और अपॉन, नहीं है अभी भी, नहीं है, कहानी पकड़ में आई मैं ना, थोड़ा सा फटाफट बोल रहा हूं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि चैप्टर बहुत 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 वाइडली पॉसिबल है, कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर थोड़ी सी मेहनत करके रख लेना अपन, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, तो शायद एक क्वेश्चन तो चिपका ही देंगे, शायद एक क्वेश्चन चिपक जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सही है, हो नन वाला 1 minus, वो बताओ, 1 minus no queen, 1 minus no queen का मतलब 48 में से चारों पत्ते, 48 में से चारों पत्ते, चार क्वीन में से एक भी नहीं, अपॉन 52 C4। सही है, यही आएगा, देख लेना, है ना, करके देखोगे तब। क्वेश्चन है, इफ 2 out of 64 square ऑन ए चेसबोर्ड, ठीक है ना, चूजन, देन प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव वन साइड इन कॉमन,
ठीक है ना, दे हैव वन साइड इन कॉमन। किसी को अगर याद हो तो इस बार हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए थे पीएनसी में, याद आ गया आपको? पहले ही बताया था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दो डब्बे चुनने के तरीके 64 में से नहीं है भाई, 64 डब्बे होते हैं स्क्वायर, उनमें से दो स्क्वायर चुन लिए। अच्छा अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारी घटना है उसकी बात अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे पास ऐसे दो डब्बे हो सकते हैं जिसमें एक साइड कॉमन यू हो सकती है या दूसरा डब्बा यू हो सकता था, याद आ गया? मैंने ये सिखाया था। अब मैं आपको ये बताता हूं, ऐसे दो दो वाले 60 डब्बे होते हैं, सिखा देना मैंने आपको, ऐसे दो दो वाले 60 डब्बे और एक लाइन में 60 डब्बे और ऐसी 8 लाइनें, तो आंसर हो गया 7 × 8, 7 यो डब्बे जिसमें एक वाला कॉमन है। अरे देखो ना, एक पूरी पट्टी उठा लो ना नीचे की, तब आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। अगर देखा जाए ये दो या ये दो या ये दो, फिर अगले ये दो, फिर ऐसे ऐसे, इनमें क्या एक कॉमन है, ऐसे 60 डब्बे, 7 डब्बे और ऐसी 8 लाइनें, या ऐसे 8 डब्बे, ऐसे 60 डब्बे और ऐसी 8 लाइनें, ठीक है। तो प्लस के अंदर इंटू टू, बिल्कुल ऐसा कर लो, इंटू टू अपॉन में 64 × 2, ये कहां है आप अपनी कॉपी में पीएनसी देखिए, उसमें मिल जाएगा आपको, है ना, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी देर के लिए, मैंने कल बोला भी था, ठीक है ना, मैं इस पूरी कहानी को एक बार के लिए शीट में लेके जा रहा हूं, शीट को लेगा, ठीक है ना। अगर शीट आपकी मेरी सेम है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी शीट से चलूंगा, ठीक है।